दोस्तों कैसे हो। आज हम बात करेंगे व्हाट इफ सीरीज के बारे में। एपिसोड 9 के बाद बहुत सारे फैनों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब व्हाट इफ सीजन 2 का क्या होगा, जो व्हाट इफ गार्डन ऑफ द मल्टीवर्स है उनका क्या होगा, पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में डिस्कस करेंगे, अब मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा, डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक की एंडिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से, जो वर्चर ने ब्लैक विडो को रिवॉर्ड करा है या किसी और यूनिवर्स में भेजा, वो यूनिवर्स कौन सा है, एंड इसके बारे में लॉट्स ऑफ डिस्कस करेंगे इस एपिसोड के बारे में। तो मेरा नाम है विशाल, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में सुपर हीरो एरा। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ एपिसोड 9 के बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में। तो बिना किसी का भी भेजा फ्राई करे हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इफ सीरीज एक एनिमेटेड सीरीज कम और एक कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ज़्यादा है। दिखने में तो बहुत सिंपल लगती है पर है नहीं। एक ऐसा वॉचर जो सिर्फ देखने का काम करता था किसी भी यूनिवर्स में, चाहे लोग मरे, ख़त्म हो यूनिवर्स, गैलेक्सी, कुछ भी हो, तबाह वबाह हो जाए, कुछ फ़र्क उसको नहीं पड़ता था। बट एट दी एंड उसने वो यूनिवर्स को छोड़ के पूरे यूनिवर्स को बचाया है। उस यूनिवर्स को तो कसम से कह रहा हूँ गार्डियन ऑफ गैलेक्सी दे दिया है। तो ऐसी स्टोरी लाइन को हम कितना औसम मानते हैं और वो हमारे मार्वल ने हमें रिप्रेजेंट करा है। इस स्टोरी के अंदर बेसिकली एक वॉचर होता है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन से, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्स से कुछ हीरोज, कुछ विलन को इकट्ठा करता है और उससे एक गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स बनाता है, और वो मल्टीवर्स जाके अल्ट्रॉन को हराते हैं, और जो देखने में बहुत ज़्यादा एपिक होता है। वॉचर को ऑलमोस्ट पता रहता है कि क्या होने वाला है आगे, पर वो जो एक्सेप्ट नहीं करता वो कि अल्ट्रॉन उसको ढूंढ लेगा और उसको इतनी गंदी तरह से मारेगा। हमें स्टार्टिंग में लग रहा होता है वॉचर के पास कुछ भी शक्ति नहीं होती है, बस उसके पास एक देखने की शक्ति होती है जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीवर्स को देख सकता है कभी भी और कहीं पर भी। पर हमें इसमें देखने को मिलता है एपिसोड 8 में कि वॉचर ऐरा गहरा इंसान नहीं है, उसके पास अनलिमिटेड शक्ति है, एक तरह से वो गॉड कंसीडर हम कर सकते हैं। बट इफ सीरीज ओनली फॉर 9 एपिसोड का था, पर इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो उससे भी ज़्यादा है। तो आज हम थोड़े से क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स है कौन। इसमें कुछ हीरोज कुछ विलन से मिलकर एक टीम बनी है और इस टीम का नाम है गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स। इसके अंदर हमारे कुछ कैरेक्टर है जैसे कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसके पास ऑलमोस्ट 99% इस टीम की पावर है। उसके बाद आते हैं हमारे कैप्टन कार्टर, फिर किंग टचाला जो स्टार लॉर्ड है इस टाइम पर, फिर हमारा किलमोंगर, ब्लैक विडो एंड गोमोरा चैंपियन ऑफ द स्काई। हमें इसमें डिफरेंट डिफरेंट सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं और विलन्स। तो मेन क्वेश्चन निकल के आता है इसके अंदर यही हीरोज क्यों, मेन हीरोज के क्यों नहीं, तो आयरन मैन, हल्क, ये सब क्यों नहीं। तो इसका आंसर सिंपल है, अल्ट्रॉन को हराया नहीं जा सकता है। इसके अंदर ये प्रूफ कर दिया है और डॉक्टर स्ट्रेंज ने एंड में यही बता दिया था, अल्ट्रॉन को हराया नहीं जा सकता है, बट उसको रोका जा सकता है। उसके अंदर से इन्फिनिटी स्टोन को हटाना उनकी एक तरह से स्ट्रेटेजी थी और उनका लास्ट का प्लान था, और उसी को कंडक्ट करने के लिए ये टीम बनाई गई थी। अगर इस टीम में ये मेंबर्स नहीं होते तो मे बी ये टीम कभी भी नहीं जीतती या इन्फिनिटी स्टोन को अल्ट्रॉन की बॉडी से कभी भी अलग नहीं कर पाते। तो इस टीम के अंदर जितने भी मेंबर थे सबका रोल प्ले था, बस डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे ज़्यादा था। उनके पास इतनी ज़्यादा पावर थी कि एक अल्ट्रॉन को हरा पा रहे थे, जो अल्ट्रॉन के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन थे। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये है, वॉचर को पता था क्या कैसे और कब होगा, उसने एक तरह से फ्यूचर देख लिया था पहले ही, इसीलिए उसने एट द लास्ट किल मोंगर को सिलेक्ट करा था, बिकॉज अगर वो नहीं होता तो इनडायरेक्टली आर्मिन जोला या हाइड्रा के पास इन्फिनिटी स्टोन आ जाते, फिर वो दुनिया को अपने हिसाब से चलाता। बट किल मोंगर के चक्कर में हुआ है कि वो एक तरह से ना हारे हैं ना जीते हैं, बस जो प्रॉब्लम थी वो टल गई है उस टाइम तक। अरे मार्वल ने एक और चीज में दिखा दिया है कि सबसे स्ट्रॉन्ग विलन किल मोंगर को इन्फिनिटी स्टोन मिल जाएगा तो क्या होगा। फ्यूचर में मार्वल चाहे तो इसके अंदर से किल मोंगर को इन्फिनिटी स्टोन दे के एमसीयू के अंदर ला सकती है, वो फ्यूचर की बात है या हमारे सेकंड सीजन में आ सकता है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे।
जो हमारा सेकंड क्वेश्चन निकल के आ रहा है, वॉचर ने अल्ट्रॉन को हराया कैसे? तो कुछ फैंस ये सीरीज या एपिसोड देखने के बाद 9 समझ नहीं पाए कि मेन हुआ क्या था, गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स को चूज करने का क्या फायदा कि अगर विजन को सिर्फ तीर से मारना था या आर्मिन ज़ोला का प्रोग्राम को उसके अंदर को इंस्टॉल करना था। तो बेसिकली सिंपल सा ये है, वॉचर को पता था कि विजन हारेगा किससे। हमारे एपिसोड 8 में यही वॉचर ने बता दिया था होकाय को हिंट करके कि वो फाइल को खोलो, उसके अंदर कोड है जो अल्ट्रॉन को हराएगा। पर उस टाइम तक अल्ट्रॉन इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था, खुद वॉचर की बैंड बजा दिया था उसने उसी के घर में आके, मींस जहाँ पे वो रहता था और जहाँ पे वो मल्टीवर्स को देखता था उधर ही आके उसने उसकी बैंड बजा दी थी वॉचर की। तो वो उस टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था और उसको हराना एक तीर से या हम कहें अल्ट्रॉन को टच कर पाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था। तो इसीलिए वॉचर ने फ्यूचर देखा और फ्यूचर में क्या मिला, उसको एक टीम बनानी पड़ेगी जो मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करेगी। उसका नाम होगा गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स। उसके अंदर सिर्फ हीरोज नहीं होंगे, उसके अंदर विलन्स भी होंगे, एक तरह से सॉर्ट ऑफ टीम होगा जिसके अंदर सबका खुद का एक रोल होगा, कोई अच्छा होगा कोई बुरा होगा। जो बुरा होगा वो इनडायरेक्टली किलमोंगर के बारे में बात कर रहे थे हम। तो ये सब वॉचर ने देखा और उसने इसी टाइप से प्लान करा किसको कब उठाना है, किस टाइमलाइन से उठाना है और किसको कहाँ पे पटकना है जहाँ से आए हैं वो। तो इसके बाद हमें पता चलता है जब ये एपिसोड खत्म हो जाता है कि क्या इंपॉर्टेंस थी गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स की और उस होकाय के एरो की जो विजन की बॉडी में जाके इंस्टॉल हुआ था, एक तरह से हम विजन की आंख में जाके इंस्टॉल हुआ था आर्मिन ज़ोला का प्रोग्राम। ये सिंपल सा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स जीत तो गए हैं, अब आगे क्या? अगर आपको याद होगा अवेंजर 1 में सारे हीरोज एक साथ यूनाइट हुए थे, वो जीत गए थे। फिर फ्यूरी बताता है कि अभी तो वो जीत गए हैं पर कभी इस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी तो दोबारा यूनाइट होंगे। यस, फ्यूचर में अगर मल्टीवर्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये सारे हीरोज या विलन्स जो इकट्ठा होकर गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स बने थे वो दोबारा आएंगे और मल्टीवर्स को बचाएंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली हमें देखने को मिलेगा व्हाट इफ की सीजन 2 में, एंड इसके अंदर और हीरोज भी ऐड होंगे जो हमारे नोन नहीं है अभी। मींस अभी हमें ढंग से ज़्यादा व्हाट इफ में दिखाई नहीं है, वो भी ऐड होंगे सीजन 2 में। अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहा है जो भी हमारे हीरोज हैं जो जीत गए हैं मल्टीवर्स की बैटल, तो अब वो अपने टाइमलाइन में वापस चले गए हैं। जैसे कि हमारा कैप्टन कार्टर वहीं पे गई थी जहाँ पे उसने स्टार्ट करा था, ये हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में अच्छे से देखने को मिल जाता है। और उधर उन्होंने जाके अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करा जहाँ पे उसको स्टीव रोजर्स मिल गए हैं। एंड सेकेंडली हमें देखने को मिलता है किंग टचाला अर्थ पर पीटर कोयल को बचा रहा था उसके फादर से जो ईगो है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसी को प्रिज्म को देख रहे हैं जहाँ पे हमारा किलमोंगर और हमारा आर्मिन ज़ोला इन्फिनिटी स्टोन के लिए फाइट कर रहा है। एंड हमारे ब्लैक वीडो को एक नए यूनिवर्स में भेज दिया है, वो हमें आगे डिस्कस कर लेंगे। एंड गमोरा वहीं पे चली गई है जहाँ पे टोनी स्टार्क और गमोरा इन्फिनिटी गाउंटलेट को मिटा रहे थे। तो एक तरह से ये जहाँ पे थे वहाँ पे चले गए। वॉचर ने इनकी मेमोरी इरेज इसलिए नहीं करी बिकॉज इनको दोबारा यूज़ कर सके फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है। वॉचर चाहे तो इनको इरेज कर सकता था पर उसने इसी चक्कर में नहीं कहा बिकॉज फ्यूचर की स्टोरी लाइन में दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा और फैंस के लिए भी थोड़ा दिक्कत वाली बात हो। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ब्लैक विडो कौन से यूनिवर्स में गई है और कब गई है और जो वॉचर ने उसको गिफ्ट कराया है एक नया लाइफ वो कहाँ पे है? बीच में हमें देखने को मिलता है कि हैंग पिंग सारे हीरोज को मार देता है और उसके अंदर वो थोर को भी मार देता है और थोर का भाई लोकी इनडायरेक्टली अर्थ पे आके डिमांड करता है जिसने मारा है उसको मारो, बट एट द एंड लोकी अर्थ के खिलाफ बन जाता है और चाहता है अर्थ को जीतना। तो ब्लैक विडो उसी टाइमलाइन में गई है बिकॉज हमें ये स्टोरी पूरी देखने को नहीं मिली थी। एंड द एंड हमें कैप्टन अमेरिका और हमारी कैप्टन मार्वल देखने को मिली थी उसके एंड तक और फिर उसके आगे हमें नहीं पता चला था क्या हुआ था। बट ये इस यूनिवर्स में लोकी ऑलमोस्ट हराने को होता है, बस ब्लैक विडो आती है और इनडायरेक्टली लोकी की छरी लेके ही उसी को अपने वर्ष में करके और वो फाइट रोक देगी और एक तरह से ब्लैक विडो इस यूनिवर्स में आके दोबारा एक नई लाइफ जी सकती है।
और ये देखने को मिलता है हमें एपिसोड 3 में, व्हाट इफ के स्टोरी लाइन चल रही होती है और ब्लैक विडो उसी स्टोरी लाइन में जाती है, उसी यूनिवर्स। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पोस्ट क्रेडिट सीन का क्या मतलब था। बीच में जब सारी बैटल खत्म हो जाती है, जब हमारे वॉचर और सारे हीरोज उस बिल्डिंग के अंदर डिस्कस कर रहे थे अब क्या, तो पैगी कार्टर एक तरह से हिंट करते कि मेरे को उसी यूनिवर्स में नहीं जाना, मुझे किसी और यूनिवर्स में भेजो जहाँ पे स्टीव रोजर्स जिंदा था। पर हमारा वॉचर बताता है कि तुम जाओ, तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज़ इंतज़ार कर रही है। जब पैगी कार्टर उधर जाती है तो हमें देखने को मिलता है हाइडर स्टॉपर और उसके अंदर कोई रहता है और इनडायरेक्टली वो बंदे स्टीव रोजर्स ही होगा, बट वो इतने समय तक जिंदा कैसे है, राइट? तो ये सारी सब कुछ चलेगा एक तरह से विंटर सोल्जर की स्टोरी लाइन की जैसे, जहाँ पे उसका ब्रेन वॉश करेंगे और उसको भी सुपर सोल्जर सीरम मिल जाएगा, तो दोनों कपल्स एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। अगर कार्टर हमारी वॉचर की बात सुन लेती और उसने सुना ही था तो विन विन सिचुएशन हुआ है दोनों के लिए। पोस्ट क्रेडिट सीन में सिंपल सा यही मतलब है जो अभी हमने डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक के साथ अब होगा क्या, बिकॉज उन्होंने तो सब कुछ जीत लिया और उन्होंने एक तरह से अच्छाई का साथ दिया था और सबको एक तरह से एक प्रिजन के अंदर बंद करके हमारा विजन और किलमोंगर को, तो अब क्या होगा आगे? तो बेसिकली इसके अंदर एक सिंपल सी स्टोरी लाइन चलेगी जो अभी फ्यूचर में होगी कि एक तरह से प्रिजन को देख रहे हैं और प्रिजन की रक्षा कर रहे हैं कि इसमें कुछ हो ना, कोई हलचल ना और ये इस प्रिजन से बाहर ना निकले, और डॉक्टर सेंज ये करके एक तरह से मल्टीवर्स को सेव कर रहे हैं बिकॉज बोथ आर ईवल और ये इतने ज़्यादा ईवल है, इनके हाथ में अगर इन्फिनिटी स्टोन लग गया तो ये सब कुछ को तबाह कर देंगे, मल्टीवर्स हो या कुछ भी हो, तो डॉक्टर सेंज इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब फ्यूचर में हमारे सेकंड सीजन में देखने को मिलेगा इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। ये गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स जो है टीम अप, उनके जितने भी 6 मेंबर्स हैं उनके अंदर से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर्स है। अगर हम 5 मेंबर को अलग करें, उनकी शक्ति नापे और इनकी शक्ति नापे, तो ये 99% पावर होल्ड करते हैं और बाकी सारे 1%, तो इनमें बहुत ज़्यादा पावर है। तो ये मैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सीजन में भी देखे डिफरेंट डिफरेंट टीम को गाइड अप करेंगे जो गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स का पार्ट होंगे। एंड ऐसे अब कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक ये एक तरह से हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिलेंगे। अभी हमें कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है मार्वल स्टूडियो या कहीं किसी और सोर्सेज से, बट फ्यूचर में अगर होगा तो इससे ज़्यादा ऑसम डिटेल्स नहीं है। और खुद का डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक को देखने के बाद अपने आप को पता करेगा कि वो कहाँ ना जाए कि वो और ईवल बन जाएगा, तो ये फ्यूचर की स्टोरी लाइन हो सकती है बट अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वॉचर जो सिर्फ वॉच करता था अब गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स के या पूरे मल्टीवर्स को बचा रहा है, तो ये बात सच है कि वॉचर सबको बचा रहा है, बट वॉचर इसलिए बचा रहा है बिकॉज उसकी जो सारी वर्ल्ड की स्टोरी चल रही है उसका देखने का काम है, और जब वो ही ना रहेंगे तो उसका लक्ष्य क्या बचेगा, मीन्स आगे वो क्या करेगा, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स बनाया जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हीरोज को कलेक्ट करा। तो ये मोस्ट प्रोबेबली अच्छी बात है हमारे देखने के लिए कि कोई सिर्फ पहले कुछ और करता था बट उसने अपने आप में चेंज लाया बिकॉज उसको देख गया कि आगे थ्रेड है विजन अल्ट्रॉन, बिकॉज उसकी अच्छी तरह से बैंड बजाने के बाद उसको रियलाइज हुआ था। तो हमें फ्यूचर में अच्छी स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी जहाँ पे वॉचर सिर्फ वॉच नहीं करेगा, वो बहुत कुछ करेगा सीजन 2 में मोस्ट प्रोबेबली। अब ये तो फाइनल हो गया है, सीजन 2 आने वाला है और ये हमारे केविन फाइगी ने पहले ही कंफर्म कर दिया था सीजन 1 लॉन्च होने से पहले, कोविड से पहले, कि सीजन 2 भी आएगा व्हाट इफ का। अब हम बात करते हैं लॉजिकली, व्हाट इफ का सीजन 2 आएगा? यस आएगा, बिकॉज इतनी ज़्यादा सक्सेस के बाद मार्वल अपने लाएगा, बिकॉज डिज्नी प्लस हॉटस्टार या डिज्नी प्लस अभी भी लॉन्च हुआ है एंड इसमें जो सीरीज मार्वल ला रहा है वो अच्छा खासा रिकॉर्ड तोड़ रही है। हॉटस्टार पे कितने सारे कंटेंट पड़े हुए हैं बट उसकी उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है जितनी हमारे मार्वल के कंटेंट की है, और व्हाट इफ सीरीज़,
या लोकी की सीरीज, इन्होंने अच्छा खासा रिकॉर्ड तोड़ दिया है व्यूज का, कितने लोग वन टाइम में वॉच कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आएगा 101% सीजन 2 आएगा। सीजन 2 में होगा क्या? सीजन 2 में बेसिकली कुछ स्टोरी लाइन चलेगी जिसमें हमारे गमोरा की स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, हमें डिफरेंट डिफरेंट हीरो की चलेगी। एट द लास्ट सब ये एक साथ यूनाइट होंगे, गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स बनेंगे जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक इन सबको गाइड करेगा और फिर दोबारा एक मल्टीवर्स को बचाएंगे किसी बड़े थ्रेड से। तो हमें ये सब देखने को मिलेगा सीजन 2 में, तो ये बहुत ज़्यादा ऑसम चीज़ है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतने इस वीडियो में, हम कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नया सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक नया दिन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।